प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ममता शर्मा पुनः आपका बीए पाठर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। इससे पूर्व कक्षा में हमने प्लेटो के बारे में, प्लेटो का न्याय और प्लेटो का बैकग्राउंड के बारे में बातचीत हुई थी। आज अपना टॉपिक है प्लेटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन। ये प्लेटो का दूसरा सिद्धांत है, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत मैं ये बताने का प्रयास करूँगी कि यदि रिपब्लिक का मूल उद्देश्य न्याय के सिद्धांत की खोज करना है तो शिक्षा उसकी प्राप्ति का मुख्य स्रोत एवं माध्यम है। जैसा कि प्लेटो ने लिखा है कि सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है। अर्थात रूसो ने इसके बारे में कहा था कि शिक्षा पर सर्वकाल में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ गवेक्षणात्मक ग्रंथ है। उसके इस कथन का आधार यह है कि अपने राजनीति चिंतन में प्लेटो ने शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। प्लेटो की मान्यता थी कि किसी भी श्रेष्ठ राजनीति जीवन के निर्माण के लिए श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली का होना अत्यंत आवश्यक है। आज के इस व्याख्यान में हम प्लेटो की शिक्षा पद्धति पर आने से पूर्व शिक्षा की पृष्ठभूमि क्या रही है, कहने का अभिप्राय यह है कि प्लेटो के समय में जो शिक्षा प्रणाली थी उससे पहले भी दो प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी, और प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत को बताने से पूर्व उस समय की प्रचलित दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियों के बारे में बताया। पहली एथेंस की शिक्षा प्रणाली, दूसरी स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। सबसे पहले हम एथेंस की शिक्षा प्रणाली के बारे में बताएंगे। एथेंस की शिक्षा प्रणाली यूनानी नगर राज्य एथेंस में शिक्षा व्यक्तिगत हाथों में होती थी। वहाँ नागरिकों की शिक्षा का प्रबंध राज्य नहीं करता था, शिक्षा देना परिवार का निजी कार्य समझा जाता था। इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत तीन प्रकार की शिक्षाएं थी। नंबर वन प्राथमिक प्राइमरी, नंबर टू सेकेंडरी माध्यमिक, नंबर थ्री सैनिक टेरिटरी। एथेंस के बालक को 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा मिल सकती थी। इस शिक्षा के अंतर्गत बालक की साहित्यिक, व्यायाम संबंधी और संगीत की शिक्षा इसके अंतर्गत दी जाती थी। साहित्यिक शिक्षा के अंतर्गत ही बालक की नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा का समावेश भी हो जाता था। 14 से 18 वर्ष तक की व्यक्ति को माध्यमिक शिक्षा मिल सकती थी। यह शिक्षा बहुत महंगी होती थी, अतः धनिक वर्ग के कुछ लोग ही इसका लाभ उठा सकते थे। सर्वसाधारण वर्ग इससे वंचित ही रहता था। इसके पश्चात माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के राजनीति जीवन के का प्रशिक्षण देना होता था, और शिक्षा का अंतिम जो सोपान है वह नागरिकों को 18 से 20 वर्ष की उम्र तक सैनिक शिक्षा दी जाती थी। कहने का अभिप्राय यह है एथेंस की इस व्यक्तिगत शिक्षा प्रणाली में अनेक दोष थे, जिसको कि प्लेटो ने बताया। प्लेटो का यह मानना था कि एथेंस की शिक्षा, जहां एक और युवक का समुचित मानसिक और शारीरिक विकास करती थी, वहीं इसका दूसरा बड़ा दोष यह था कि शिक्षा देना राज्य का नहीं बल्कि परिवार का कर्तव्य माना जाता था। इस आधार पर प्लेटो ने एथेंस की शिक्षा प्रणाली को स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात प्लेटो ने स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली के बारे में बताया। यूनान में दूसरी शिक्षा पद्धति स्पार्टा की थी। इसने भी प्लेटो पर प्रबल प्रभाव डाला। इसके अंतर्गत शिक्षा देना व्यक्ति का नहीं बल्कि
राज्य का अधिकार होता था और राज्य के द्वारा ही इसके अंतर्गत शिक्षा दी जाती थी। जब प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक लिखी तब स्पार्टा अपने राजनीतिक उत्कर्ष और प्रसिद्धि के शिखर पर था और इसका उस पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। लेकिन इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत भी प्लेटो ने दोनों को जब तुलनात्मक दृष्टि से देखा तो एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत उसने कुछ स्पार्टा में भी कमियां देखी। एथेंस की उसे शिक्षा का व्यक्तिगत पहलू अपनाया तो वहीं उन्होंने स्पार्टा में शिक्षा का सामाजिक पहलू। उसकी मान्यता थी कि शिक्षा व्यक्तिगत आधार पर न दी जाकर राज्य के नियंत्रण में ही दी जानी चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना की जो रूपरेखा बताई उसमें एथेंस और स्पार्टा दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात अपनी शिक्षा योजना को बनाया। अब हम प्लेटो की शिक्षा योजना की रूपरेखा बताएंगे। आउटलाइन ऑफ द प्लेटोनिक फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। अपने आदर्श राज्य के लिए प्लेटो ने शिक्षा योजना को अपनाया। अपनी शिक्षा योजना को दो स्तर बताए, नंबर 1 प्राइमरी एजुकेशन, नंबर 2 हायर एजुकेशन। हम सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बताएंगे, जिसे कि प्राथमिक शिक्षा की कहा जाता है। प्राथमिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए होती थी। इस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों में सामाजिकता का विकास करना है। यह मुख्य रूप से भावनाओं द्वारा चरित्र निर्माण की शिक्षा है। इस शिक्षा के माध्यम से नागरिकों में शौर्य अर्थात स्प्रिट के गुण का विकास करना है, जो देश की आवश्यकताओं के तथा सैनिक के कार्य के अनुरूप हो। इसका उद्देश्य ऐसे नागरिकों का वर्ग तैयार करना है जो सैनिक कार्यों के दायित्व को भली भांति पूर्ण कर सके। अपनी प्राथमिक शिक्षा के द्वारा प्लेटो शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से सबल सैनिक वर्ग के नागरिकों का निर्माण करना चाहता था। अतः पाठ्यक्रम के शिक्षा के अंतर्गत अर्थात प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत उसने व्यायाम और संगीत को शामिल किया। प्लेटो ने कहा है, शरीर के लिए व्यायाम और आत्मा के लिए संगीत आवश्यक है। प्रारंभिक शिक्षा के 2 वर्ष पश्चात प्लेटो ने शारीरिक प्रशिक्षण के लिए व्यायाम और संगीत को आवश्यक माना और इसके साथ ही 18 से 20 वर्ष की आयु तक 2 वर्गों की अवधि में सैनिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा और उसके समाप्त होने पर जो व्यक्ति सबसे अधिक योग्यता का परिचय देगा उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए चुन लिया जाएगा और शेष को सैनिक वर्ग में सम्मिलित करके उनके अनुरूप कामकाज में लगा दिया जाएगा। यह प्लेटो की प्राइमरी एजुकेशन थी। तत्पश्चात हायर एजुकेशन, जिसे हम उच्च शिक्षा कहते हैं। प्लेटो की उस शिक्षा के 2 स्तर हैं, 20 से 30 वर्ष तक का शिक्षण और 30 से 35 वर्ष तक का शिक्षण। उस शिक्षा के प्रथम स्तर पर प्लेटो ने विज्ञान और तर्क के अध्ययन पर अधिक बल दिया। विज्ञान तथा तर्क के आधार पर सत्यावेक्षण करना ही उच्च स्तरीय शिक्षा का लक्ष्य है। जिन सत्यों का व्यक्ति ने प्राथमिक शिक्षा काल में भावनात्मक तथा कलात्मक रूप से कला के माध्यम से वर्णन किया, उन्हीं का सानिध्य अब उस तर्क तथा विज्ञान द्वारा प्राप्त करना था। इसके अंतर्गत प्लेटो ने 30 वर्ष की आयु में उस शिक्षा पाने वाले शिक्षकों में पुनः एक अन्य चुनाव एवं परीक्षा होती है। इसमें योग्य समझे जाने वाले व्यक्ति को पूर्ण संरक्षक अर्थात दार्शनिक शासक बनने की बात कही थी। इसके पश्चात 5 वर्ष तक अर्थात 30 वर्ष से 35 वर्ष की आयु तक प्लेटो ने उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था की। यह शिक्षा मुख्यतः डायलेटिक, जिसे कि हम द्वंद्वात्मक कहते हैं, की शिक्षा होगी, जिसमें दर्शन शास्त्र के अध्ययन पर विशेष जोर दिया गया। 35 वर्ष की आयु के पश्चात प्लेटो का यह मानना है
कि यह शिक्षा अपने आप में अपूर्ण है। 35 वर्ष की आयु तक शिक्षा देने के बाद प्लेटो संरक्षकों के शिक्षण को अपूर्ण मानता है। उनका यह मानना है कि 15 वर्ष तक अर्थात 50 वर्ष की उम्र के पश्चात भी जो व्यक्ति अग्नि परीक्षा में खड़े उतरेंगे वे ही दार्शनिक राजा बनेंगे, अर्थात वही राज्य का शासन भार संभालेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि प्लेटो ने अपनी दोनों शिक्षा प्रणालियों के आधार पर अपना शिक्षा सिद्धांत बताया। तत्पश्चात प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना की कुछ विशेषताएं बताई, जिसके अंतर्गत 1, राज्य द्वारा नियंत्रित तथा अनिवार्य शिक्षा। प्लेटो द्वारा नियंत्रित और अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया। वह शिक्षा को निजी क्षेत्र पर नहीं छोड़ना चाहता और ना ही वह उसे व्यवसाय बनाना चाहता है। उसके अनुसार राजकीय नियंत्रण के अभाव में शिक्षा सामाजिक हितों की नहीं बल्कि निजी हितों की सिद्धि होती है। अर्थात इस संबंध में सिबाइन ने कहा है कि प्लेटो ने रिपब्लिक में राज्य नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा की योजना प्रस्तुत की है। उसकी ये योजना एथेंस की शिक्षा प्रणाली से बहुत आगे बढ़कर उन्होंने बताई है। अतः प्लेटो ने शिक्षा को अनिवार्य बताया है। 2, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। प्लेटोवादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास करना है। इस दृष्टि से ये वास्तविक और पूर्ण शिक्षा है। 3, शरीर और मन का विकास। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना के द्वारा शरीर और मन दोनों के विकास पर उचित ध्यान दिया है। शरीर के विकास के लिए व्यायाम और मन के विकास के लिए उन्होंने संगीत की शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। 5, पाठ्यक्रम में नैतिक मापदंडों को उचित स्थान। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना के अंतर्गत धर्म और नैतिकता को उचित स्थान प्रदान किया है। वह नैतिकता की दृष्टि से कुरुचिपूर्ण साहित्य और कलाकृतियों को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। तत्पश्चात शिक्षा एक दीर्घकालीन अनवरत प्रक्रिया। प्लेटो ने अपनी विशेषताओं में यह भी बताया है कि यह अल्पकालीन कार्य न मानकर उसे आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को बताने का प्रयास किया है। संक्षेप में हम कहते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना उसकी संपूर्णता में अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि इस शिक्षा योजना के माध्यम से प्लेटो एक ओर तो संपूर्ण सामाजिक नागरिकों का विकास करना चाहता है और दूसरी ओर वह ऐसे मानव का निर्माण करना चाहता है जो कि आदर्श राज्य के संचालन में सर्वोच्च अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका का प्रतिपादन कर सके। प्लेटो की शिक्षा योजना की इन विशेषताओं के पश्चात भी क्रिटिक्स ने प्लेटो की शिक्षा योजना में कुछ कमियां देखी और इन्हीं कमियों के आधार पर उन्होंने प्लेटो की आलोचना के निम्न आधार बताए। 1, अप्रजातांत्रिक तथा एकांगी। प्लेटो की शिक्षा योजना को अप्रजातांत्रिक तथा एकांगी माना गया है। उनका मानना है कि राज्य के समस्त नागरिकों से इसका कोई संबंध नहीं है। राज्य के अत्यंत ही छोटे जन समुदाय को प्लेटो ने इस बात का सौभाग्य दिया है कि वे ज्ञान के प्रकाश से अपनी आत्मा को आलोकित कर सके तथा नागरिकता और सामाजिकता को समुचित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। अतः राज्य का अत्यंत विशाल जन समुदाय जो कि उत्पादक वर्ग है इसको पूर्ण रूप से उन्होंने इससे वंचित कर दिया। इस आधार पर प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था केवल अभिजात वर्ग के लिए ही है, संपूर्ण मानव के लिए नहीं थी। 2, साहित्य की उपेक्षा। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में साहित्य को बहुत कम और गणित को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। चूँकि साहित्य जीवन का दर्पण है और मानव की कोमल भावनाओं को विकसित कर उसके दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है, इस दृष्टि से गणित तथा दर्शन के साथ कला तथा साहित्य को भी शिक्षा पर समान रूप से बल दिया जाना चाहिए था। 3,
कला और साहित्य पर अनुचित नियंत्रण। प्लेटो की शिक्षा योजना में कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से यह शिक्षा पद्धति अन्यायपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत कवि और कलाकार को राज्य के नियंत्रण में जकड़ने का प्रयास किया है। फोर्थ पॉइंट, शिक्षा कर्म बहुत अधिक लंबा और खर्चीला। कहने का अभिप्राय है कि प्लेटो की शिक्षा एक निश्चित आयु तक ही सीमित नहीं रहती, वह तो जीवन प्रेम चलती रहती है। एक दार्शनिक शासक 35 वर्ष तक तो केवल शिक्षा प्राप्त करते रहना चाहिए, प्लेटो का यह मानना है। लेकिन प्लेटो यह भूल जाता है कि एक विशेष अवस्था के पश्चात केवल किताबी ज्ञान ही मानव को संतुष्ट करने में असमर्थ होता है, उसे व्यावहारिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। इस आधार पर प्लेटो की शिक्षा योजना को स्वीकार नहीं किया है। विरोधाभास, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली एक ओर आदर्श राज्य का आधार है, दूसरी ओर शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण। यदि उसी शिक्षा के द्वारा आदर्श राज्य का भवन टिका नहीं रह सकता तो राज्य की शिक्षा पर नियंत्रण उचित नहीं हो सकता। एक ओर तो आदर्श राज्य की स्थापना के लिए पहली शर्त है उचित शिक्षा, और दूसरी ओर उचित शिक्षा की व्यवस्था आदर्श राज्य की स्थापना के पश्चात ही प्रारंभ होती है। इस आधार पर हम कहते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना को कई आलोचकों ने विभिन्न आधारों पर अस्वीकार किया है, लेकिन इन आलोचनाओं के पश्चात भी प्लेटो की शिक्षा योजना का अपना एक महत्व है, जिसके अंतर्गत हम निम्न बातों को शामिल करते हैं। नंबर वन, इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि यह उचित आयु में उचित शिक्षा की व्यवस्था करती है। नंबर दो, प्लेटो की शिक्षा का पाठ्यक्रम कुछ व्यवस्था व्यवसायों तक ही सीमित ना होकर मानव जीवन के संपूर्ण विकास को बनाता है। नंबर थ्री, इस शिक्षा योजना में एक वर्ग को वही शिक्षा दी जाती है जो उसके लिए आवश्यक है, अर्थात उदाहरण के लिए सैनिक वर्ग के लिए दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती। नंबर फोर, प्लेटो की शिक्षा योजना में व्यायाम और संगीत का संतुलन है। संक्षेप में कह सकते हैं, प्लेटो ने हमें शिक्षा का एक ऐसा श्रेष्ठ सिद्धांत प्रदान किया है, उसकी शिक्षा सीमित ही नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सिर्फ मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक भी, संकीर्ण नहीं, और इससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। इस आधार पर हमने देखा कि प्लेटो की शिक्षा योजना आज के समय और तत्कालीन समय को ध्यान में रख के व्यक्ति के शारीरिक मानसिक विकास के लिए एक उचित शिक्षा व्यवस्था है।